सर्वप्रथम आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम। सर मेरा नाम श्री प्रकाश पूर्वे है। मेरा घर बनर झुल्ला सुनवर्षा प्रखंड में। मैं पहले अभी पिछले महीना में प्रभारी प्रधानाध्यापक पद से मध्य विद्यालय बिशनपुर गुनाही से सेवा प्राप्त किया है। उसके पहले मैंने मुनिला कर्पूरी महाविद्यालय मधुबन भूति का मैं पहले संस्थापक प्रोफेसर और पूर्व प्रभारी प्राचार्य पद पर काम किया और मैं अब जो है सामाजिक सेवा के लिए मैं 20 सुनवर्षा जिला परिषद के सदस्य के रूप में अपने को उम्मीदवारी पेश कर रहा हूँ। सर ये बताया जाए कि आपके जो 20 सुनवर्षा विधानसभा क्षेत्र है जिला परिषद क्षेत्र है, इसकी क्या समस्या है सर? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि जो जनता को सरकारी सुविधा है वो सही सही पहुँच नहीं पा रही है जी, और उसमें दूसरा जो थोड़ी बहुत पहुँच रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जिसमें प्रशासनिक तंत्र से ले के जनप्रतिनिधि तक के तक है। दूसरा है कि हमारे यहाँ जो सड़कें जितनी भी बनी है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना है, वो सभी जैसे तैसे उसका मेंटेनेंस नहीं है। इस कारण सड़कों का जो जाल फैला उसका लाभ प्रॉपर ढंग से नहीं है। तीसरा है कि हमारे यहाँ जो गरीब जनता को जो सुविधाएं है, चाहे वो राशन का हो, चाहे वो और भी तरीके का हो, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वो तमाम सुविधाएं प्रॉपर किसानों को हो मजदूरों को वो नहीं मिल पा रहा है। ये प्रमुख है, बाकी छोटी मोटी समस्या और है। तो सर आप अगर सरकार अगर आपको जनता मैंडेट अगर देगी तो क्या इनकी समस्या का समाधान आप करेंगे? इनकी समस्या का समाधान तो करने के लिए ही उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ये जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमारे जैसे लोग या जो लोग भी इस तरह की समस्याओं के निदान के लिए पूरी ईमानदारी से उनके लिए संघर्ष करते हैं उनको भी आना होगा। सिर्फ जनप्रतिनिधि सामाजिक सेवकों के संघर्षों से सिर्फ ये निदान नहीं होगा, वो तमाम जो जनता किसान मजदूर जो या पीड़ित हैं जो शोषित हैं उनको भी संघर्षों में भाग लेना। और इसीलिए मैंने नारा ही दिया है या मेरा संकल्प ही है कि सामाजिक जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं उसको जनता तक पहुंचाना स्वच्छ तरीके से, यही मेरा एकमात्र सबसे बड़ा एजेंडा भी है। और भी कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए सर। कहना ये चाह रहे हैं आपके सद्भावना चैनल के माध्यम से कि हमारे जो गांधी जी के विचारे के अनुकूल जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती चुनाव जो होने जा रहा है, जो गांधी जी का सपना था, उस सपने के अनुकूल आम जनता ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव करे, ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव न करे जो खास सुविधा के द्वारा जो खास ऊपरी तौर पर अचानक आते हैं और उनको प्रलोभन देकर प्रतिनिधि बन जाते हैं, इसलिए वैसे प्रतिनिधि का चुनाव न करें, वैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें जो उनके दुख सुख में सालों भर रहते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं, उनको सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। ये प्रमुख रूप से हम उस जनता को कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करें जिससे कि ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना गांधी जी का है वो साकार हो सके, ये मुझे कहना।